Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the GST theory questions, which are important from your exam point of view. We'll be discussing the theory questions which will be helpful for you for attempting the theory and objectives. Let's start with the video. Hello everyone, so today's video is about GST indirect taxes ka jo paper hai, goods and service tax jo syllabus update hua hai, uske kuch important questions hum discuss karne wale hai, jo theory questions aapke exam ke liye kafi important rahenge aur isi mein se kuch theory questions aapko aapke paper mein dekhne milenge. So theory questions jo काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स में, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आंसरिंग द थियरी क्वेश्चंस एज वेल एज विच विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर अटेम्प्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स. जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 40 मार्क्स का ओवरऑल थियरी पे फोकस करना है हमें, बिकॉज 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स थियरी है एंड 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स है. अगर आपने प्रॉपरली थियरी कर लिया तो ही आप ऑब्जेक्टिव्स को आंसर कर सकेंगे. So the first question which is important is need for GST. तो GST का क्या need है वो हम discuss करेंगे इसमें. तो ये आपको prepare करना है need for GST. Next is the features of GST. तो GST के क्या क्या features है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा. Next is benefits of GST. तो benefits of GST, why GST is implemented in India and what is the benefits GST is giving, वो सारे points आपको इसमें लिखने हैं. फिर ये dual GST model काफ़ी important है. dual GST model मतलब इंडिया एक federal state है, central and state government दोनों taxes लगा सकते हैं, वही dual GST का model है. फिर GST council क्या होता है वो आपको prepare करना है. next is goods and service tax, network के बारे में short note पूछा जा सकता है. the next question is composite and mixed supply, तो composite and mixed supply आपको prepare करना है. नेक्स्ट इज़ द कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है उसके लिमिट, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या है, कितने अमाउंट के ऊपर अगर जाएगा तो कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं होगा, सारे पॉइंट पढ़ने हैं. और कुछ डेफिनेशंस है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सम ऑफ द डेफिनेशंस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, गुड्स का डेफिनेशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन, प्रिंसिपल सप्लाई, रिवर्स चार्ज और सर्विसेज का डेफिनेशन. सो याद रखिए डेफिनेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये डेफिनेशंस प्रॉपर पढ़ो एज पर द सेक्शंस तो वो भी आपको एक अच्छे बेसिस पे मार्क्स मिल पाएंगे, क्योंकि लिए डेफिनेशंस तो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो डेफिनेशंस भी मैंने आपको बताया कौन से डेफिनेशंस आपको करने हैं. दीज आर द सिंपल डेफिनेशंस और वेरी शॉर्ट डेफिनेशंस, तो यू कैन ईजिली लर्न दिस डेफिनेशंस. नेक्स्ट इज CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सभी पॉइंट्स के बारे में आपको थ्योरी पढ़ना है. फिर नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको पढ़ना है. टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, बिकॉज उसमें से किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. देन पर्सन्स हु आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन से पर्सन्स लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सारे आपको पढ़ने. इतने क्वेश्चंस भी आप अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आप एग्जाम में इजीली थियोरी भी लिख पाओगे और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में आएंगे वो भी आप इजीली आंसर कर पाओगे. दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो. अभी मैं ऐसे लेसन्स डालने वाला हूँ, ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक बना के दे दूंगा. एज वेल एज अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स किसी सब्जेक्ट में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डालूंगा. टिल देन बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर.